हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारी कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारी एसओ बीकॉम क्लास, आपका एक लास्ट सब्जेक्ट बच गया था जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज इस नए सेशन में नहीं मिली थी, तो मैं लेके आ गया हूँ फाउंडेशन कोर्स, लास्ट आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। फाउंडेशन कोर्स की जब बात करते हैं, फाउंडेशन कोर्स, और ध्यान रखना मैंने इस सेशन में अगर बात करूं, इस जो आने वाली ये आपकी बैच है इसमें दो टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा हूं, एक तो नो रिस्क वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका रिस्क फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। मेरा सजेशन है जो बच्चे रेगुलर, कम ही बच्चे कनेक्ट हुए बट जितने भी बच्चे कनेक्ट होते हैं रेगुलर वाले, तो उनको मेरा सजेशन था भाई आप गारंटी वाला लेके जाओ, मतलब जहां पे रिस्क नहीं चाहिए वो कॉन्सेप्ट वो फॉर्मूला मेरा लेके जाओ, सबसे ईजी रहता है भाई, रिस्क भी नहीं चाहिए रहता है। और उन बच्चों की बात करते हैं जो एग्जाम टाइम से पहले, बेसिकली कॉमर्स में 70% 80% पब्लिक एग्जाम टाइम से पहले ही पढ़ने आती है, तो उनके लिए फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए। फाउंडेशन कोर्स में देखो, हर एक बच्चे को पता है सर ये 75 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 75 मार्क्स में से 15 क्वेश्चन नंबर जो हमारा वन होता है उसको करिए आप इग्नोर, क्योंकि ये आपका रहता है प्रैक्टिकल जो आपने लिखा होगा ना वो उसी का डिटेल्स लिखना रहता है, अदरवाइज छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, मतलब वर्ड पूछे जाते हैं आपको। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की बात करूंगा, कितने नंबर का बात करेंगे 15, कितने नंबर का सर 15, कितने नंबर का 15 एंड 15। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज भी आप बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, तो बेसिकली डिसएडवांटेज ही बच्चे बोलते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। अगर हर एक बच्चे ने देखो क्वेश्चन नंबर वन, तो मेरा सजेशन रहता है जरूर जो आपको प्रैक्टिकल फाइल मिली होती है उसमें से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप लिखा करो, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को जितना तो नंबर वहां से निकालो भाई 15 में से। एंड बाकी अगर दो, कोई भी दो क्वेश्चंस आपके प्रॉपर कवर हो जाते हैं, दो क्वेश्चंस, कोई भी दो क्वेश्चंस प्रॉपर वे में कवर हो जाते हैं, तो भाई केटी से छुटकारा मिलेगा, केटी लगने से आप बच जाते हो, क्लियर है। और मेरा सजेशन है भाई इसमें एक एडवांटेज भी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी जो आपने सुने हैं जिसमें आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हो, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत काफ़ी ईजी कहानी हमारे लिए निकल के आती है। पेपर पैटर्न की अगर आइडिया होगी तो चलिए बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस को जब आप एनालिसिस अपने करते हो तो देखो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस आपके सामने निकल के आता है, फाउंडेशन कोर्स एसवाई बीकॉम सेम थर्ड यूनिट 1 यूनिट 2। अब लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है पता है क्या है, कि सर हर एक यूनिट में अगर मैं पार्ट की बात करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कंप्लीट, ध्यान रखना पार्ट मैंने नाम नहीं लिखा आपके टेक्स्ट बुक में, ध्यान रखना स्टार्टिंग में इंडेक्स पे देखेगा, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जैसे अगर पहले पार्ट की बात करूँ सर शेड्यूल कॉस्ट के बारे में दिया है, मतलब इसी तरीके से आप समझो 5 पार्ट के बारे में दिया है, और हर एक पार्ट में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आप देख लेना वहाँ पे आपके बुक में दिखेगा, क्लियर है। 3-4 क्वेश्चन भी अगर मैं पकड़ता हूँ, 3 क्वेश्चन भी पकड़ता हूँ सर 5, 3 जब 15, मतलब यूनिट वन में आपको 15 क्वेश्चन कम से कम मैं काउंट करा रहा हूँ, एक एवरेज, क्योंकि बुक तो लिया नहीं तो एक एवरेज काउंट करा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 4-4 भी काउंट कराता हूँ सर यहाँ पे भी 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करना पॉसिबल है क्या? सर हमें रिस्क नहीं चाहिए कोई भी, और अभी से अगर प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, कौन से कॉन्सेप्ट को करें, तो देखो इधर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करा देता हूँ, इन यूनिट पे इन पार्ट पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, जैसे ये थर्ड वाला पार्ट एंड आपका ये फिफ्थ वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ये दो पार्ट आप यूनिट वन में नहीं छोड़ सकते हो, क्लियर है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका थर्ड है ये फिफ्थ है। सबसे पहले ये दो कवर करना है, ये दो कवर कर लोगे तो इसका मतलब एक गारंटी थोड़ी सी मिलती है, सर हमारा 15 मार्क्स का पेपर 99% कॉलेज में आपका कवर हो जाएगा, 99% वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और अगर सर 100% 1% कॉलेज ऐसे भी निकल के आएंगे ना जो बोलेंगे हम थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो ये देखो एक और यूनिट आपको सेलेक्ट करना पड़ जाएगा,
क्लियर है कि नहीं है सर? बस ध्यान रखना, तीन आपने कर लिया तो वैसे भी कवर हो जाएगा, बट मुझे लगता है दो आप कवर कर लो सबसे बेस्ट है, दो आप कवर कर लो सर सबसे बेस्ट है। तो कुछ बच्चे टेंशन में आ गए, सर ये तो एग्जाम टाइम से पहले आपकी वीडियो देख रहा हूँ तो कैसे करूँ सर, इतना तो हमें भी पता था, एग्जाम टाइम से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दो जो एटलीस्ट कुछ उम्मीद जगा दे पास होने की। तो मैंने बोला चलिए भाई रिस्क लेना है तो भाई यहाँ पे आ जाओ, तीन क्वेश्चन ही दिया हूँ, डिटेल पढ़ लेना, तीन क्वेश्चन दिया हूँ। अब तीन क्वेश्चन तो कॉमन सी बात है, रिस्क निकल के आएगा। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम टाइम से एक दिन दो दिन पहले, जो बच्चे वीडियो देखते हैं ना उनके लिए यह क्वेश्चन है कि सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस, इन्हीं क्वेश्चंस पे आपकी नजर होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चों को तीनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे और रीड कर लेंगे, क्वेश्चन ढूंढ लेंगे सर कहाँ से मिल सकता है। चलिए और थोड़ा सा जूम करते हैं, आई होप हर एक बच्चा अब तो जरूर देख लेगा कि सर ये तीन क्वेश्चंस का डिटेल जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। उन बच्चों की बात हो रही है जो एक दिन दो दिन पहले थोड़ा सा सोके उठे हैं और उनको सर केटी से बचना है। तो यूनिट वन में क्वेश्चन नंबर टू, ये 15 मार्क्स के लिए तीन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 80% कॉलेज में ये तीन में से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का फंसने वाला है, 80% प्लस कॉलेज में। मैंने वर्ड यूज किया है कि ये तीन में से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स में देखने मिलने वाला है, क्योंकि कुछ कॉलेज में मुझे भी पता है पेपर डिफरेंट सेटअप करेंगे एग्जामिनर, तो पॉसिबल नहीं है सर। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया भाई रिस्क नहीं चाहिए तो ऐसा कवर कर लो, अगर रिस्क थोड़ा सा थोड़ा बहुत चाहिए तो वहां चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट टू पे शिफ्ट हो जाते सर, कितने पार्ट दिख रहे हैं? चार पार्ट दिख रहे हैं। चार में से कौन सा कवर कर लो? कोई भी दो कवर कर लो, कोई भी दो, मैंने वर्ड यूज किया कोई भी दो, मतलब यहाँ लिख भी देता हूँ भाई एनी टू, आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको देख लेना नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम होंगे, जिसका वर्डिंग आपके लिए थोड़ी आसान बनती है वो टॉपिक सेलेक्ट करो, एनी टू कोई भी सेलेक्ट कर लो। बट सर फिर वही प्रॉब्लम, बच्चे बोले सर कल पेपर है तो कौन कौन सा क्वेश्चन कवर कर लूँ, कैसे कवर कर लूँ, तो बात करूंगा फिर यहाँ पे। आ जाओ यूनिट टू पे, यूनिट टू पे कितने क्वेश्चन लिखे मैंने? तीन क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखे, तीन क्वेश्चन आई होप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है, मतलब दोनों ऑप्शनल रखो, दोनों तरीके में लेके चल रहा हूँ। रिस्क नहीं चाहिए तो टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, रिस्क चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन पास होने की गारंटी तो रहेगी अगर कोई भी बच्चे ये पूरे क्वेश्चंस करके जाता है तो। बट मुझे लगता है कि अभी जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ रेगुलर आप जुड़े हो मेरे साथ, तो पहले फोकस जो मैं देता हूँ भाई रिस्क मत लो, अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि एक एवरेज नंबर लेके आ जाओ, एक अच्छा नंबर लेके आओ आप लोग। केटी का आपको नहीं सोचना, केटी का तो उन बच्चों को सोचना जो एग्जाम टाइम पे देखेंगे, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलिए फिर आ जाओ फिर से यूनिट थर्ड, आपका क्या निकल के आता है यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। यूनिट थर्ड देखो इधर, सबसे इजी टॉपिक अगर आप मेरे से पूछते हो फाउंडेशन कोर्स में सर हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को यूनिट थर्ड सेलेक्ट करना पहले, यूनिट फोर उसके बाद में। दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में थोड़ी बहुत सर हमको आइडिया पता है, थोड़ा बहुत हम अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक साइंस के बेस पे चलता है, पूरा टॉपिक साइंस के बेस पे चलता है। सर रिस्क नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा टॉपिक बता दो जो पढ़ के पास हो जाए, तो मैंने बोला ये पहला दूसरा पढ़ लोगे एक क्वेश्चन ईजिली फंस जाएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये टॉपिक से। क्लियर है, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करेंगे यूनिट फोर का, यूनिट फोर में सर कौन से कवर किया जाए? तीन दिख रहा है आपको इजिली, तीन में से कोई भी दो कवर करो, बट मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा कि आप सेकेंड एंड थर्ड को कवर करो, एक क्वेश्चन आपका गारंटी यहाँ से भी रहेगा। कितने? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए सर, दो क्वेश्चन प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से मैं एग्जाम में लिख पाऊँ सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि 15 मार्क्स का है तो प्रॉपर वे आपका होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ पेज का एक आइडिया होना चाहिए सर, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेज लिखूँ जिससे एग्जामिनर मेरे को एक बेटर मार्क्स दे पाए, मतलब कम से कम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर 12-13 नंबर तो मिलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट सर फिर यही डाउट आ रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सर बताइए थोड़े से और इम्पॉर्टेंट बता के रखिए। तो आ जाओ इधर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, कौन सा ध्यान रखना? यूनिट थर्ड से मैंने ये क्वेश्चन साइंस वाले टॉपिक से दिया है, तीन ही क्वेश्चन रखा है तो इम्पॉर्टेंट बहुत निकल के आएगा। क्लियर आई होप दिख रहा होगा बच्चों को, कौन सा है ध्यान रखना? ये आपका यूनिट थर्ड, तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना आप लोग, माइंड में रखना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव, एंड आप बोल सकते हो कि यूनिट आपका फोर।
कितने क्वेश्चन रखे? चार क्वेश्चंस भी रखे, चारों क्वेश्चन देख लो आप प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखो कितने क्वेश्चन, कम क्वेश्चन, काफी कम क्वेश्चन रखे, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 3, 13। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से यहां देखो कितने क्वेश्चंस रखे, 13 क्वेश्चंस रखे। अगर आप देखोगे फाउंडेशन कोर्स में आई थिंक किसी यूनिट में 13 क्वेश्चन नहीं है, लगभग लगभग 13 से 15 क्वेश्चन बनेंगे। 13 क्वेश्चन जब आपको देता हूं तो कॉमन सी बात है थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, बट इतनी तो श्योरिटी है, इतनी तो गारंटी मैं रखता हूं इस चीज का कि मोस्टली कॉलेज में, मतलब 80-90% कॉलेज में क्वेश्चन यहीं से निकल के आने वाले हैं, मतलब ये वाले जो टॉपिक दे के रखें। तो कुछ ऐसे कॉलेज भी निकल के आएंगे सर, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप करेंगे, क्योंकि अब तो आपको पता ही होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर नहीं कंडक्ट कर रही है, आपके कॉलेज में ही पेपर सेटअप होता है, तो हर एक टीचर का, हर एक सर का माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट टाइप के सेटअप कर सकते हैं, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया 80-90% कॉलेज में आएगा। क्लियर है कि नहीं? नीचे कमेंट में देख लेना, आपको वहीं से सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर कि कितने क्वेश्चंस फंसे हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए वर्ड यूज़ किया 100% नहीं। यूनिवर्सिटी अगर होता तो 100% मैं वहाँ पे वर्ड लिख देता कि 100% क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी आपका पेपर नहीं कंडक्ट कर रही है, आपके कॉलेज में सेटअप हो रहा है, इसलिए ये पैटर्न है। और रिस्क नहीं चाहिए सर, हमें अभी से एक बेटर मार्क्स लेके आना है, तो जो रूल जो रेगुलेशन मैंने बताया वो कर लेना। आई होप हर एक बच्चे को फाउंडेशन कोर्स में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट जो भी माइंड में सेटअप था वो क्लियर हो गया, क्योंकि मैं दोनों तरीके से बताते हुए चला, तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को फुल सेटिस्फेक्शन इस वीडियो से मिलनी चाहिए। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आती है तो नीचे कॉमेंट में जरूर ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।